सीने में अगर जिगरा होना बेटा तभी करना, वरना बाद में आगे बोला के तुम्हारी वीडियो देख के आए थे और हमारा को याद हो गया। तो थ्री वो भाई पलट गए वो। यार देखो आप और आप खुद समझ जाओ कितना डिफिकल्ट है ये। ओ भाई ये तो खतरनाक है। हे गाइस, माय नेम इज जीतू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ, जैसा कि आप दोस्तों पीछे देख पा रहे होंगे, मोजोलैंड। और दोस्तों मोजोलैंड सुन के आपको दिमाग में एक ही थिंग आती होगी, वाटर पार्क। तो दोस्तों अभी विंटर स्टार्ट होने वाला है तो मैं वाटर पार्क नहीं आया हूँ, वैसे वाटर पार्क बंद हो चुके हैं मोस्टली जगह। सो दोस्तों आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि इस पार्क के अंदर एक एडवेंचर पार्क भी है जिसे आप आके एंजॉय कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में दोस्तों हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं ये एडवेंचर पार्क को, क्या एक्टिविटी और क्या ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपको यहाँ पे आने में मजबूर करने वाली हैं। सो दोस्तों वो पता चलेगा आपको आगे वीडियो में। दोस्तों देर ना करते हो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आपका भाई आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो लाते रहता है। मेरे पीछे मोजोलैंड, चलिए चलते हैं और आज करते हैं इसको एक्सप्लोर। करूँ इसकी लोकेशन की, तो ये दोस्तों ये ट्रंक रोड मुरथल वाले एरिया में पड़ता है। और दोस्तों आप पहचान के लिए देख सकते हैं ये टोल प्लाजा है, तो इसके बिल्कुल जस्ट दोस्तों इन फ्रंट है। वहीं दोस्तों मैं बात करूँ कि आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, तो जैसे मैं दिल्ली से आया हूँ तो दिल्ली से दोस्तों मैंने ISBT कश्मीर एक गेट गया, वहाँ से बस मैंने पकड़ी हरियाणा रोडवेज की। तो वहाँ से दोस्तों काफ़ी सारी बसेज आती हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पे एक सिंपल यहाँ पे रोड है, ये टीटी करनाल रोड, सारी बसें ऑलमोस्ट जितनी भी हरियाणा रोडवेज वाली बसें हैं सारी यहीं से जाती हैं। यहाँ से दोस्तों वहाँ से बस पकड़ के सीधा 45 रुपीज़ आप चार्ज लेगा, जो आपको छोड़ेगा मुरथल बस स्टैंड पे। वहाँ से दोस्तों आप लोकल ऑटो चलते हैं जो आपसे 10 रुपये हार्डली चार्ज लेंगे, 10 रुपये से ऊपर चार्ज मत देना आप, वो आपको सीधे दोस्तों जस्ट गेट के फ्रंट पर छोड़ देंगे और यहाँ पे आप इजिली पहुँच जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आप पर्सनल व्हीकल्स आते हैं तो जस्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक छोटी सी पार्किंग बना रखी है, यहाँ पे आके दोस्तों अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और दोस्तों बात करूँ मैं पार्किंग की, तो पार्किंग यहाँ फ्री है, जैसा कि आप देख पा रहे हो गाड़ी वगैरह खड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पर्सनल व्हीकल आते हैं तो इजिली आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों सामने है टिकट काउंटर, चलिए आपको बताता हूँ उसका टिकट प्राइस क्या आने वाला है, क्या टाइमिंग है, सब कुछ दोस्तों बताने वाला हूँ आपको आगे वीडियो में। वहीं दोस्तों बात करूँ मैं टिकट प्राइस की, तो यहाँ वाटर पार्क का टिकट 500 रुपये है स्टूडेंट, चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन का, और वहीं एक अडल्ट का टिकट दोस्तों 600 रुपये है। और बाकी दोस्तों आज तो मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ एडवेंचर पार्क को, तो दोस्तों बात करूँ एडवेंचर पार्क की टिकट प्राइस की, तो ये चिल्ड्रन स्टूडेंट और सीनियर सिटीजन का 500 रुपये है और एक अडल्ट का 600 रुपये। वहीं दोस्तों मैं बात करूँ कॉम्बो की, अगर आप वाटर पार्क और एडवेंचर दोनों लेते हैं तो वहीं एक चिल्ड्रन स्टूडेंट और सीनियर सिटीजन का होने वाला है 700 रुपये और एक अडल्ट का 800 रुपये। कुछ सो गाइस अभी हम अंदर एंट्री कर रहे हैं, और एंट्री के रूप में दोस्तों हमें इस तरह सा बैंड मिलता है, इस बैंड को दोस्तों आपके हाथ में वेयर करा जाता है, उसके बाद यहाँ से आपकी एंट्री होती है। चलिए दोस्तों हमने बैंड बंधवा लिया है, अब यहाँ से दोस्तों हम एंट्री कर रहे हैं, और एंट्री करने वाला आपको पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरा कि किस तरह से ये पूरा होने वाला है। ऐसे हम इसके अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद दोस्तों हमें इस तरह का यहाँ रिक्शा फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। ये रिक्शे की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज दोस्तों जो यहाँ से बात करूँ मैं डिस्टेंस की, तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे रिक्शे की फैसिलिटी अवेलेबल करा रखी है। इस साइड आपका वाटर पार्क हो गया, इस साइड का स्नो पूल हो गया, काफ़ी सारा बड़े एरिया फैला हुआ है जिसकी वजह से यहाँ रिक्शे की फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए चलते हैं रिक्शे पे और आपको आगे दिखाते हैं। आगे दोस्तों आज हमारे साथ तरुण भाई भी आए हुए हैं, तो हम दोनों आज आए हैं यहाँ पे सोनीपत में है ये मोजोलैंड। सो हमारी तरुण भाई कैसा लग रहा है आज? बढ़िया, बहुत बढ़िया, फुल मजा आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम रिक्शे बैठ चुके हैं, बाकी मैं तो यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ दोस्तों, क्योंकि इस वाले जो एडवेंचर पार्क में फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो पता नहीं क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी तरुण भाई ने बोला था कि जितना तुम आओगे भाई तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है, तो ऐसा है तरुण भाई? बिल्कुल, यहाँ पे सबसे बड़े जो है कि बंजी जंपिंग है। ओके, तो यही देखने को नहीं मिलती वाली है ना एक्टिविटी हो, तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या एडवेंचर होने वाला है आज की वीडियो में। बाकी दोस्तों आप देखते हैं इस तरह से रिक्शा चल रहा है, और कुछ दोस्तों पूरा इस तरह का यहाँ पे व्यूज है पूरा, आप देख पा रहे हो वीडियो के अंदर। तो दोस्तों रिक्शे ने हमें ऐसी जगह उतार दिया जहाँ पे दोस्तों इस आज के लेफ्ट साइड में आपको वाटर पार्क देखने को मिल जाएगा, और आपको दोस्तों नॉलेज के लिए बता दूं कि अभी भी यहाँ वाटर पार्क ओपन है। तो बाकी दोस्तों अभी हम जा रहे हैं एडवेंचर पार्क, जो कि दोस्तों आप इस साइड पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ हैं जो दोस्तों आज हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे सारी एक्टिविटीज़ हम करने वाले हैं, लो रूप, हाई रूप, जिप लाइन, फ्री फॉल, इस तरह से जो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आज हम करने वाले हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ये फ्रंट गेट है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही खूबसूरत बना रखा है। मैं आपको दोस्तों एक बार बैक थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है इनका, इस तरह से दोस्तों पूरा गेट बना हुआ है, देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये इस तरह का इसका गेट है, चलिए चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं।
सो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको सारी एक्टिविटी आज हम करने वाले हैं और मुझे दोस्तों देख के इतना मजा आ रहा है, आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पे एक्टिविटीज हैं। दोस्तों इस तरह से आपको सेफ्टी बेल्ट वगैरह लगाई जाती है, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों इस सारी एक्टिविटी करने के लिए आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है, जिसकी वजह से दोस्तों ये बेल्ट वगैरह पूरी इस तरह से वेयर करनी पड़ती है। बाकी हमारे तरुण भाई हैं, ये पूरा ये बेल्ट वगैरह करने से पहले आपसे कुछ ऐसा फॉर्म भरवाया जाएगा जिसके अंदर मतलब सब कुछ लिखा होगा कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, जरिए होती है तो भाई ध्यान रखना आप, क्या आप ध्यान से ही करना सब कुछ। और साथ में हमारे जितेंद्र भाई आए हैं, और भाई एक्साइटेड हो एक्टिविटी करने के लिए? एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूं ऐसी जगह पे जहां पे सारी काफी सारी एक्टिविटी होने वाली है, तो करते हैं। हां, कैसा एंजॉय होने वाला, कैसा मजा आने वाला, देखते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले करने जाने जिप लाइन, जिसमें दोस्तों हमें इस तरह की बेल्ट मिलती है सेफ्टी के लिए। तो चलिए चलते हैं जिप लाइन की तरफ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये जिप लाइन है, और जिप लाइन दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होते हुए एंड तक जा रही है, और बेहद ही दोस्तों मजा आने वाला, चलिए चलते हैं। बाकी तरुण भाई फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और दोस्तों आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ पे दो जिप लाइन है, एक तो बड़े वाली जिसमें हम कर रहे हैं, एक दोस्तों जस्ट साइड में आप नीचे देख रहे होंगे ये छोटी वाली स्लाइड है, ये बच्चों के लिए है। यहाँ दो जिप लाइन है। झूठ बोल रहे, हवा में बातें कर रहे, सच में रियली मैं फर्स्ट टाइम आया हूं, एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं मैं, सही में आप अगर आ पाएंगे तो आपको पता चल पाएगा भाई। दोस्तों अब बारी आ गई है जिप स्काई साइकिल की, जो कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह की साइकिल रोड के थ्रू पूरी बंधी हुई है, और वायर के थ्रू दोस्तों हमें सीधा उस कोने तक एंड तक जाना है। बहुत ज़्यादा दोस्तों मजा आने वाला है, हम सो एक्साइटेड। चलिए दोस्तों अपने बेल्ट वगैरह बांध लेते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों अब बारी आ गई है हमारे नेक्स्ट राइड की तरफ, जिसका नाम है जाइंट स्विंग करके है, और दोस्तों जैसा ये इस तरह के जैसे सावन में झूला होता है ना, पेड़ों पर झूलते हैं उसी टाइप के, बट दोस्तों ये थोड़ी उससे ज़्यादा हार्ड होने वाली है, बिकॉज ये 45 फीट दोस्तों ऊपर जाएगी, और ऊपर से दोस्तों हमें सीधा नीचे छोड़ा जाएगा, तो उसका दोस्तों एक्सपीरियंस अल्टीमेट ही होने वाला है, एडवेंचर ही ज़्यादा होने वाला है। सो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, चलिए चलते हैं और यही राइड्स यही एक्टिविटी करते हैं। ऊपर जा रहे हैं अभी हम, जाने स्टार्ट हो गए हैं अभी हम, तो धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं, फिर एकदम से हमको छोड़ देंगे ये, ऐसा है क्या? और क्या, ओ भाई अभी ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद नीचे आएंगे भाई हम, ओ शिट, एकदम से स्पीड में आएंगे हैं। तो भाई अब बहुत ऊपर आ चुके हैं हम, आप एकदम से नीचे जाने वाले हैं, हम बहुत स्पीड में जाएंगे, हालत खराब होने वाली है। ओके हाँ, ओके। वो ओ मर गया भाई, मजा आ गया। अरे भाई 145 फीट है, सॉरी 45 फीट है, मजा आ गया भाई, तेरे फोटो से नहीं दिखा, सा मजा आ गया भाई, एक सेकंड में मजा लग रहा, मेरा दिल रुक गया भाई। सो गाइस सारी एक्टिविटी करने के बाद थोड़ा सा हम टाइट हो चुके हैं, सो हमने इस तरह का एक कॉक लिया है और चिप्स लिया है, 5 मिनट का रेस्ट कर लेते हैं, देन आपके लिए फिर आगे कंटिन्यू ब्लॉक करते हैं। ओ घूमिया सर पूरा, एकदम से पता ही नहीं लगा कब। अच्छा एक सेकंड का फर्क होता है बस, हैं भाई साहब, क्या बताऊं, खुद एक्सपीरियंस कर लेना, आप यहाँ पे आओगे ना इसको जरूर करना, बट हिम्मत होनी चाहिए तभी करना। तो दोस्तों इस पूरे एरिया की सबसे कठिन और सबसे एंजॉयमेंट वाली राइड आ गई है, रॉकेट इजेक्शन करके है, जिसमें दोस्तों हमको पूरा बांध के फेंका जाता है। सो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है, चलिए
चलते हैं और सब करते हैं। बाकी तरुण भाई बोलते हैं कि तुम्हारी फट जाएगी इसको करने के बाद, एक अलग एक्सपीरियंस। पैंट फट जाएगी, पैंट फट जाएगी, कुछ और मत सोचना। तो भाई को पहले सही से पैक करा जाएगा। भाई साहब सबसे अच्छी चीज मेरे को मोजेलैंड की यही लगी, सेफ्टी बहुत बढ़िया यहाँ की है ना। सेफ्टी एक नंबर नहीं हर चीज में ही होगी, क्यों जब जब एक्टिविटीज इतनी टफ टफ है और डिफिकल्ट है तो होनी चाहिए भाई। भाई पहले से मेरे दिल एकदम तेज हो गई है, धड़कन तेज हो गई है, अभी देखो क्या क्या होता है। तो भाई हेलमेट लगाया जा रहा है भाई को, फेस देखो यहाँ पर कैसा कैसा रिएक्शन है, अभी देखना क्या होता है भाई का। अब नीचे आएंगे तब देखेंगे क्या हिल रहे हैं गुर्दे। चलो कांपने दो, नीचे आना तब देखते हैं। तो भाई भाई जा रहे हैं ऊपर, अब ये टाइट हो जाएंगे एकदम से छोड़ दिया जाएगा फिर। तो भाई जाएंगे एकदम से छोड़ दिए जाएंगे, रेडी हो? हालत खराब होने वाली है, कॉन्फिडेंस रखना, छोड़ने वाले हो ठीक है। चलो चलो, 1 2 3। ओ ओ भाई पलट गए पलट गए पलट गए भाई साहब, कैसा लगा ये देख रहे भाई की चीखे। ओ भाई साहब, भाई तो पलट गए पूरे, देखा मेरा वेट ज्यादा है ना तो मैं नहीं पलटा हैं, देखा क्या हालत होगी। नीचे आने दो तब पूछते हैं। कोई नहीं भाई, हो गया, कर दिया तुमने, अब तुम्हारी लाइफ में ऐड हो चुका है ये, कर लिया तुमने, ऐड हो गया लाइफ में। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं अपनी मतलब मौत को टच करके यहां पहुंच गया हूं। सही है भाई, तो जो रॉकेट इंजेक्शन था एक अल्टीमेट था, मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिस समय मुझे सबसे ज्यादा डर लगा। और आप दोस्तों वीडियो में अपने जैसे क्लिप देखी होगी, बेहद ही दोस्तों मजा आया। लेकिन अगर आपकी जिगरा है ना छाती में, अगर आपको जिगरा है तभी दोस्तों आप क्या करना राइट, वरना मत करना क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत डर लगेगा। हाँ अगर आप एडवेंचर के शौकीन है तो आप बेहद ही दोस्तों कर सकते हैं, अलग ही दोस्तों मजा आएगा। बाकी दोस्तों आप जैसे पीछे आप देख पा रहे होंगे छोटी छोटी जगह है, बुलेट्स वगैरह यहाँ पे पीछे टायर्स हैं और छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं। ये दोस्तों बेसिकली एक चिल्ड्रन जोन है जहाँ पे बच्चे आके एक्टिविटी करते हैं, ये सब हमारे सबके लिए नहीं है। सो गाइस हमारी सारी लास्ट एक्टिविटी रह गई है जो कि दोस्तों हम करने वाले हैं और इसमें दोस्तों एक अलग मजा आने वाला है। चलिए दोस्तों चलते हैं ऊपर और करते हैं इसको। सो गाइस सबसे पहले तरुण भाई याली एक्टिविटी कर रहे हैं और इनके पीछे पीछे दोस्तों हम भी करेंगे क्योंकि मैंने पहली बार आया हूँ, बाकी तरुण भाई पहले भी आ चुके हैं। सो पहले ये कर रहे हैं उसके बाद हम करते हैं। बाकी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे नीचे के निचाई एक रस्सी के ऊपर दोस्तों चलना होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और अपना बैलेंस बनाना होता है। बाकी दोस्तों हम तो कैमरा पकड़ रहे हैं, हमारे लिए तो और ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो गाइस मैं रेडी हो गया हूँ, इस तरह की रस्सी दोस्तों हमारे बांध लिए बेल्ट वगैरह और इस तरह दोस्तों नीचे नज़ारा आप देख पा रहे, इस तरह से रस्सी इस पर चलना है मुझे और देख के दोस्तों नीचे काफ़ी ज़्यादा डर सा लग रहा है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मुझे हमारी केबल है इसको साइड से इस तरह स्लाइड करके और इन यहाँ से करके दूसरी तरफ करना होता है आगे दूसरी एक्टिविटी करने के लिए। सो गाइस हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आ गए, इस तरह का दोस्तों एक जाल बंधा हुआ पूरा, इसके ऊपर दोस्तों पकड़ पकड़ के हमें आगे बढ़ना। सो गाइस हमारी सेकंड एक्टिविटी आ गई है इस तरह की, जहाँ पे टायर बंधे हुए टायर के ऊपर तो रूफ है, रूफ पकड़ के हमें चलना है आगे। और दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे हमारी एक्टिविटी डिफिकल्ट होने वाली है। चलिए दोस्तों चलते हैं। बाकी जैसे दोस्तों आप जैसे तरुण भाई चल रहे हैं इस तरह से दोस्तों यहाँ बैलेंस बनाना होता है रूफ पकड़ के और टायर पे पांव रख के, तो दोस्तों थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों हमारी थर्ड एक्टिविटी आ गई जिसमें दोस्तों इस तरह के लकड़ी के टुकड़े लगे हुए हैं और दोनों तरफ रूप से बंधे हुए हैं, जिस पर दोस्तों हमें बैलेंस बना के कुछ इस तरह से चलना है, जो कि दोस्तों सेकंड एक्टिविटी से ज़्यादा और डिफिकल्ट हो गया है। चलिए चलते हैं उसको कर।
दोस्तों यही एक्टिविटी करने के बाद इसी तरह से दोस्तों सेकंड एक्टिविटी आगे जो कि दोस्तों जिग-जैग करके है, इस पर दोस्तों हमें चलना है और इसमें दोस्तों की इसमें हमें बैलेंस बनाना उससे ज़्यादा कठिन होने वाला है। जैसे कि आप दोस्तों आप देख पा रहे होंगे बाकी तरह बाइक कर रहे हैं और इनको दोस्तों आप देख सकते हैं बैलेंस बनाना इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक पैर दोस्तों आप पैर रखेंगे तुम्हारा आपका बैलेंस बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। चलिए इस वाली एक्टिविटी को भी करते हैं। अब दोस्तों जो एक्टिविटी आ गई वो टनल टाइप की, जिसके अंदर से दोस्तों हमें लेट के होकर गुजरना है। सो दोस्तों मेरे को तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रही, चलिए चलते हैं इसको अभी करते हैं। इस एक्टिविटी में हमें राउंड शेप के लकड़ी टुकड़े जिसके ऊपर से होकर गुजरना है। चलिए चलते हैं दोस्तों इस एक्टिविटी को करते हैं। सामने दोस्तों देख रहे होंगे ये वॉल है, सामने इस वॉल पे वॉल क्लाइंबिंग होती है। अगर दोस्तों आप आते हैं तो अगर आपको वॉल क्लाइंबिंग करने का शौक है तो कर सकते हैं और काफ़ी दोस्तों ऊंची है ये। स्केटबोर्ड एरिया है जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा एक एरिया बना रखा है जहाँ पे आगे दोस्तों आप अगर आपको स्केटबोर्डिंग आती है तो आप कर सकते हैं इसके थ्रू, पूरा एक एरिया बना हुआ है। बाकी दोस्तों मुझे तो नहीं आता तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सो अगर आप आना तो यहाँ पे ये एक्टिविटी जरूर ट्राई करना, आपको काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मज़ा आएगा। तो दोस्तों इन्होंने पूरा एक जोन में रखा है जहाँ पे आप आर्चरी वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पे आप तीर यूज़ करके अपना निशाने को चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये आके खुद कर सकते हैं, मैं तो करूँगा नहीं क्योंकि मेरा निशाना अच्छा नहीं है। सो गाइस फाइनली मैंने पूरा ये एडवेंचर जगह पूरी घूम ली है और मैंने दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करा। अगर आप दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको किसी भी एडवेंचर पार्क में देखने को नहीं मिलने वाली है। सो यहाँ पे दोस्तों आप आ सकते हैं, बेहद ही दोस्तों मज़ा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको कि मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली या दोस्तों साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।